Welcome to my channel. So today we have follow-ups of the statement. Describe an occasion when you got incorrect information. So let's see. So our first question is, what kind of professions are related to giving information to others? कि ऐसे कौन से professions हैं जो दूसरे लोगों को information provide करते हैं? There are numerous specialists who share their knowledge with others. कि बहुत सारे professionals हैं जो अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द मीडिया प्रोफेशन, अगर मीडिया प्रोफेशन की बात की जाए, विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इंसिडेंट्स अकरिंग अराउंड द वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो उनके बारे में लोगों को अवेयर करते हैं, वेदर स्मॉल और लार्ज, चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे इंसिडेंट्स हों. एंड एडवर्टाइजिंग, ऐसे ही दूसरी एग्जाम्पल है हमारी एडवर्टाइजिंग, विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस लॉन्चेज, जो हमें बताती है कि साइंस ने क्या क्या इन्वेंट किया है, क्या लॉन्च हुआ है, अगर किसी में कोई अपडेट आया है तो वो हमें अवेयर करती है. हाउ टू यूज़ अ प्रोडक्ट, और एडवर्टीजमेंट से ही हमें पता चलता है कि इस प्रोडक्ट का क्या फ़ायदा है, इसको यूज़ कैसे करना है, व्हाट द बेनिफिट ऑफ प्रोडक्ट इज़. फर्दर मोर दोज वर्किंग इन इंडस्ट्रीज सच एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, अकेडमीज, प्रोवाइड नॉलेज टू स्टूडेंट्स. और ऐसी इंडस्ट्रीज जो एजुकेशन से रिलेटेड हों, कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वो भी क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गिविंग इंफॉर्मेशन बाय फ़ोन एंड ईमेल, कि क्या डिफरेंस है फ़ोन से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में और ईमेल से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में. देर आर मेनी डिफरेंसेज बिटवीन गिविंग इंफॉर्मेशन बाय फ़ोन एंड ईमेल, कि बहुत सारे डिफरेंसेज हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट द इंफॉर्मेशन गिवन बाय फ़ोन, कि अगर मैं बात करूँ कि फ़ोन से इंफॉर्मेशन दी जाती है, जो इट इज़ ब्रीफ, कि वो शॉर्ट होती है. द रिसिपेंट हैज़ टू लिसन, कि जो हमें सुन रहा है उसको सुनना पड़ता है. एंड दे रिसीव क्विक रिस्पॉन्स अबाउट द मैटर, और जिस मैटर के ऊपर वो बात कर रहे हैं उनको रिस्पॉन्स भी साथ के साथ ही मिल जाता है. ऑन द अदर हैंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन एन ईमेल कैन बी मोर इलेबोरेटिव एज कम्पेयर टू अ फ़ोन कॉल, और अगर ईमेल की बात की जाए तो वो इंफॉर्मेशन इलेबोरेटिव भी हो सकती है, मीन्स लेंथी भी हो सकती है फ़ोन कॉल से ज़्यादा. एंड ईमेल इज़ मोस्टली यूज एज अ फॉर्मल वे ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, और जो ईमेल है वो एक फॉर्मल वे है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का. एंड कैन बी मेड ओनली बाय ऑथेंटिक अकाउंट पर्सन, कि जिस पर्सन का वो अकाउंट है सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है. मोर ओवर अ पर्सन नीड्स टू वेट फॉर द रिस्पॉन्स इन द केस ऑफ एन ईमेल, और ईमेल के टाइम में क्या होता है कि रिस्पॉन्स साथ के साथ नहीं टाइम नहीं मिलता, हमें वेट करना पड़ता है जब तक नेक्स्ट पर्सन हमारे मैसेज को नहीं देखता. हाउ कैन पीपल चेक वेदर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज करेक्ट और नॉट, कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है. वेल देर आर मल्टीपल सोर्सेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट टू वेरीफाई द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि बहुत सारे इंटरनेट पर सोर्सेज अवेलेबल हैं जिससे हम वेरीफाई कर सकते हैं. मोर ओवर देर आर सम ऑथेंटिक साइट्स, और कुछ ऑथेंटिक साइट्स भी हैं दैट कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट बिटवीन फेक डेटा एंड द ट्रूथ, और कुछ ऑथेंटिक साइट्स मतलब जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है वो इजीली बता सकते हैं कि ये वाला डेटा फेक है या फिर सच है. डू पीपल ट्रस्ट इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, क्या लोग जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं? येस डेफिनेटली, हाँ जी करते हैं. पीपल ट्रस्ट द इंफॉर्मेशन ऑनलाइन बिकॉज दीज डेज एवरीवन इज़ वर्किंग ऑनलाइन, क्योंकि आजकल क्या है हर कोई ऑनलाइन वर्क कर रहा है. पीपल पोस्ट डिफरेंट थिंग्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, लोग अपनी अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे अपने कमेंट्स करते हैं. बट पीपल ट्रस्ट ओनली द साइट्स दैट आर ऑथेंटिक एज वेल एज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, बट लोग सिर्फ उन्हीं साइट्स के ऊपर इंफॉर्मेशन को ट्रस्ट करते हैं कि जो ऑथेंटिक होती है, रियल होती है और गवर्नमेंट से अप्रूव भी होती है. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ईमेल एंड फ़ोन इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, कि अगर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की टर्म्स में बात की जाए तो ईमेल और फ़ोन में क्या डिफरेंस है. इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ईमेल इज़ मोर सिक्योर एज कम्पेयर टू अ फ़ोन कॉल, कि ईमेल ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा सेफ है, बिकॉज ईमेल प्रोवाइड्स अ रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ द स्टेटमेंट, क्योंकि जो भी हमारे पास मैसेज आया अगर ईमेल से आया होगा तो वो रिटर्न रिकॉर्ड में भी अवेलेबल होगा, विच कैन बी यूज इन टाइम्स ऑफ डिस्प्यूट और मिसअंडरस्टैंडिंग, जो हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है कि अगर हमारा किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है. ऑन द अदर हैंड, और दूसरी साइड, अ फ़ोन कॉल कैन बी मेड बाई एनी वन, और फ़ोन कॉल किसी को भी कर सकता है. इस ब्रीफ शॉर्ट होती है, बट गिविंग इन्फॉर्मेशन बाई फ़ोन कैन गेट अ क्विक रिस्पॉन्स, बट इससे जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाता है. एज वेल एज अलो द पर्सन टू कन्वे टोन एंड इमोशन, और किसी की आवाज़ से उसके इमोशन के बारे में भी पता लगा सकते हैं.
विच डू यू थिंक इज़ द बेटर वे टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, बाय फोन और बाय ईमेल? कि क्या बेटर है, कि फ़ोन से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना या ईमेल से? एज़ पर माई व्यू कि मेरे अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड अ फ़ोन कॉल इज़ बेटर एज़ कम्पेयर टू ईमेल, कि ये ज़्यादा बेटर है, बिकॉज बाय मेकिंग अ फ़ोन कॉल दे कैन क्लियर द डाउट्स ऑफ बोथ पार्टीज एट द सेम टाइम. कि जब हम किसी को भी कॉल करते हैं तो सेम टाइम पे हमें जो पूछना होता है हम पूछ सकते हैं, आंसर भी मिल जाएगा. अगर दूसरी पार्टी को कुछ पूछना है तो वो भी क्लियर हो जाएगा. एज़ वेल एज़ गेट अ क्विक रिस्पॉन्स विच सेव्स द टाइम ऑफ बोथ पार्टीज. जिससे क्या होता है कि साथ के साथ रिस्पॉन्स मिल गया, उनको कोई वेट नहीं करना पड़ेगा, जिससे उनका टाइम सेव हो रहा है. फर्दर मोर बाय मेकिंग अ फोन कॉल दे कैन अंडरस्टैंड ईच अदर्स फीलिंग बेटर एज कम्पेयर टू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द ईमेल. कि अगर फ़ोन कॉल से कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो तो वो उनकी फीलिंग्स को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं, कि वो खुश है, दुखी है, या फिर वो अटक अटक के बोल रहे हैं, दैट मीन्स झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं. तो मतलब उनके आवाज़ के कॉन्फिडेंस से हम पता लगा सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस अ फोन कॉल इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एमरजेंसी. अगर एमरजेंसी की बात की जाए तो फ़ोन कॉल तो सबसे बेस्ट है. सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.